और अमेरिका एक दूसरे के अहम सहयोगी हैं। भारत और अमेरिका इन दिनों काफी करीब आ गए हैं। भारत अमेरिका रणनीतिक क्षेत्र में लगातार सहयोग बढ़ा रहे हैं। इसी बीच भारत और अमेरिका की वायुसेना हिंदुस्तान की धरती पर अपनी ताकत दिखाने वाली है। भारतीय वायुसेना अमेरिकी वायुसेना के साथ पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस पर युद्धाभ्यास करेगी। इस युद्धाभ्यास में जापान भी बतौर ऑब्जर्वर शामिल होगा। इस युद्धाभ्यास के जरिए भारत चीन की चुनौती से निपटने की कोशिश करेगा। जब हिंदुस्तान की धरती से भारत और अमेरिकी एयरफोर्स एक साथ आसमान में गरजेगी तो चीन हिल जाएगा। भारत और अमेरिका की वायुसेना के बीच होने वाले इस युद्धाभ्यास को कोप इंडिया नाम दिया गया है। भारत और अमेरिका के बीच होने वाला यह युद्धाभ्यास 10 अप्रैल से शुरू होकर 21 अप्रैल तक चलेगा। इस युद्धाभ्यास से दोनों देशों की वायुसेनाओं की ऑपरेशनल क्षमता में इजाफा होगा और दोनों के बीच जरूरी सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा। एयरफोर्स की ओर से इस युद्धाभ्यास में फाइटर जेट राफेल, सुखोई 30, फाइटर जेट तेजस के साथ ही C-17 ग्लोब मास्टर 3 और हवा से हवा में फाइटर जेट में ईंधन भरने वाले IL-78 शामिल होगा। वहीं अमेरिका अपने अत्याधुनिक F-15 स्ट्राइक ईगल जेट्स का इस्तेमाल करेगा। LSA विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच बीते 3 साल से सीमा पर तनाव बना हुआ है। ऐसे में भारत और अमेरिकी वायुसेना का ये युद्धाभ्यास काफी अहम माना जा रहा है। इस युद्धाभ्यास को चीन के बढ़ते खतरे से निपटने के तौर पर देखा जा रहा है। चीन के खिलाफ अमेरिका भारत का सबसे अहम सहयोगी है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका भारत के काफी करीब आया है। रूस और चीन के बीच बढ़ते सहयोग को देखते हुए अमेरिका भारत से सहयोग बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत और अमेरिका की वायुसेनाएं जब हिंदुस्तान की धरती पर एक साथ गरजेंगी तो चीन के साथ साथ पाकिस्तान भी हिल जाएगा। टाइम्स नाउ द भारत डिजिटल की रिपोर्ट।